हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो लाइपो बैटरीज के बारे में है। स्पेशली आज हम लाइपो बैटरी को चार्ज करने का सबसे अच्छा और एक बैलेंस तरीका देखेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर रोलिंग दिस इंट्रो। सो जब लाइपो बैटरीज की बात होती है तो जहन में ये आता है कि अब इसे चार्ज कैसे करना है, क्योंकि हम बैटरीज ख़रीद तो लेते हैं, बाकी चार्जर में हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैंने रिसेंटली ही ये IMAX B6 चार्जर बाय किया है। बहुत ही अच्छा चार्जर, बहुत ही सेफ चार्जर। और अगर आपके पास लाइपो बैटरीज हैं और आपके प्रोजेक्ट्स में ड्रोन, RC प्लेन और RC हॉबीज़ शामिल हैं, तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप IMAX B6 80W वाला ले लें चार्जर। ये बहुत ही यूज़फुल चार्जर रहेगा। अब मैं इसकी आपको स्पेसिफिकेशन और सारा कुछ डिटेल करके बताऊँगा, जिसमें मैं चार्जिंग भी करके दिखाऊँगा कि आप अपनी लाइपो बैटरी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आप कोई भी अपना DIY चार्जर भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ था अपनी पुरानी वीडियो में, आपको शायद याद होगा। ये TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल लिथियम आयन सेल के जो चार्जिंग मॉड्यूल होते हैं उनको यूज़ करते हुए बनाया था। तो ये भी काम कर जाते हैं, लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में आप इतनी कॉस्ट लगा रहे हैं जिसमें लाइपो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और अब चार्जिंग की बात कीजिए तो सबसे बेस्ट चार्जर रहेगा। तो जल्दी से हम इसे खोलते हैं और इसमें हर एक चीज़ दिखाऊंगा कि इसे कैसे आपने लाइपो बैटरीज चार्ज करनी है। जैसे ही बॉक्स खोलेंगे तो आपके पास ये रैपर के अंदर आएगा, IMAX B6 वाला चार्जर। रैपर जो है वो मैंने ज़रा इधर उधर हो गया है, क्योंकि ये अनबॉक्स पहले से हो चुका है, लेकिन अब मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ। तो यार बहुत ही कमाल लुक के साथ आता है, मेटल फिनिश। और यार ये ब्लू कलर तो मुझे बहुत पसंद है, ब्लू कलर वैसे मेरा फेवरेट है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इनपुट पोर्ट, जहाँ पे आप 11-18V DC दे सकते हैं। और यहाँ पे बैटरी लगेगी, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा। बाकी ये डिस्प्ले है, ये बटन्स हैं जिस पे मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि कैसे करना है। अब इसे ज़रा रखते हैं साइड पर। केबल्स हैं, केबल्स देख लें पहले। पहली केबल जो बहुत यूज़फुल रहेगी, बनाना केबल्स हैं, इन्हें बनाना केबल्स कहा जाता है। और ये टी कनेक्टर है, तो ये इसे कनेक्ट होगा। बाकी डिफरेंट बैटरीज़ के लिए डिफरेंट कनेक्टर्स हैं। तो अब इसे चार्ज कैसे करना है हम वो देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात के जो ये वाला हमारा IMAX B6 है, इसके साथ बिल्ट इन या फिर अलग से पावर सप्लाई नहीं मिलती, तो आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही ले लें, ये थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव है, लेकिन जो पावर सप्लाई वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। पावर सप्लाई आप कोई भी लोकल सी पकड़ लें, लेकिन 5 एम्पेयर तक की हो मैक्सिमम। तो मेरे पास मेरी एक ओल्ड पावर सप्लाई पड़ी हुई है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 12V और 12V और 7 एम्पेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं 12V और 7 एम्पेयर। तो ये सही काम करती है मेरे लिए 3S बैटरीज चार्ज करने के लिए। तो अब मैं इसे, मुझे पता है थोड़ी सी गंदी हुई हुई है, लेकिन काम निकल जाएगा इसे। तो यहाँ पे हम इसे अब पावर देंगे। पावर देने के बाद एक बीप करेगा और ये चीज़ आ जाएगी फ्रंट पे। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इसे चलाएंगे, फ्रंट पे ये आ जाएगी, जिसमें आपको कहेगा कि आपने क्या काम करना है, इसे क्या काम लिखवाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम सेलेक्ट लाइपो बैटरी, पूछ रहा है कि आपने लाइपो बैटरी चार्ज करनी है। अगर लाइपो बैटरी वाला काम नहीं है तो यहाँ से आप बैटरी की टाइप चेंज कर सकते हैं, स्टॉप वाले या फिर बैटरी टाइप वाले बटन से आप बैटरी की टाइप चेंज कर सकते हैं। तो हमने लाइपो बैटरी ही चार्ज करनी है, तो हम लाइपो बैटरी पर रख के इसे इंटर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि कितनी लाइपो बैटरी को कौन सा चार्ज करना है, मतलब कौन किस टाइप का चार्ज करना है। तो यहाँ पे लाइपो बैलेंस चार्ज, लाइपो फास्ट चार्जिंग, लाइपो स्टोरेज,
और लाइपो डिस्चार्ज, लाइपो चार्ज। तो ये काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप बैलेंस चार्ज ही करें, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अब आपने एम्पेयर सेट करने हैं, तो एम्पेयर सेट करने के लिए आप की कोई भी लाइपो बैटरी है, जैसे कि अभी ये 1300 mAh की है, मींस के 1.3 ampere hour की है, तो मैं इसे 1.3 ampere से ही चार्ज करूँगा, जैसे कि यहाँ सेलेक्ट हुआ हुआ है। अब ये इसको कैसे आपने ऊपर नीचे करना है, मतलब कि इसको आपने इस एम्पेयर और वोल्टेज को कैसे आप सेट करेंगे, वो आप यहाँ पे इंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लिंक होने लग जाएगा, और उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज के थ्रू आप एम्पेयर इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज़ और डिक्रीज इन दो बटन से हो जाएगा। उसके बाद फिर इंटर दबाएंगे तो फिर ये पूछेगा कि फिर पूछेगा कितने एस की बैटरी आपने चार्ज करनी है। इन माय केस मेरे पास 3S है, तो 3S, यहाँ 4S का ऑप्शन, 5, 6, मैक्सिमम 6S है, और उसके बाद ख़त्म। तो कर दिया हमने, हो गया, ठीक है। अब हमें अपनी बैटरी कनेक्ट करनी है, तो ये बैटरी है मेरे पास जी टी कनेक्टर वाली, तो मैं अपना वहाँ उस बॉक्स में से टी कनेक्टर निकालूँगा। टी कनेक्टर निकालने के बाद सबसे पहले टी कनेक्टर को इसमें लगा देना आपने, उसके बाद आपने बनाना प्लग्स के जो ऑप्शन है ये ध्यान रखना है कि ब्लैक टू ब्लैक मींस के माइनस टू माइनस एंड प्लस टू प्लस, उल्टा नहीं लगा देना। उसके बाद अपनी कंपैटिबल पोर्ट ढूंढनी है कि आपकी पोर्ट कौन सी है, इनमें से 1, 2, 3 सारी लिखी हुई है, मतलब मैं लिखी तो नहीं हुई है लेकिन आपको नज़र आ जाएगा। पोर्ट ढूंढनी है आपने और उसमें इंसर्ट कर देना है। उसके बाद बैटरी रख के यहाँ पर आपको क्या करना है कि इंटर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद बैटरी चेक करेगा और उसके बाद कंफर्म का पूछ रहा है और स्टॉप का पूछ रहा है कि बैटरी चार्ज करनी है या फिर हमने नहीं करनी। तो ऑब्वियसली चार्ज करनी है तो आप स्टार्ट का बटन दबा सकते हैं, और नहीं चार्ज करनी तो स्टॉप, तो हमने चार्ज करनी है तो स्टार्ट, और ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि 1.3 एम्पीयर पे चार्ज हो रही है। करंट वोल्टेज इस बैटरी के 12.60 हो गए हैं, क्योंकि ये फुली चार्ज, इसे कुछ ही देर पहले ही चार्ज किया हुआ था पहले से। तो यहाँ पे इसके मिली एम्पीयर शो हो रहे हैं कि कितने मिली एम्पीयर इसके अंदर जा रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। यहाँ पे टाइम, और इन ये जो ये वाले बटन है जहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ से आप इंडिविजुअली जितने भी सेल होते हैं बैटरी के अंदर उनका स्टेटस, वोल्टेज का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहले सेल का वोल्टेज क्या है, 4.2, दूसरे का 4.2, 4.2, इसी तरह फिर ये चार्ज होगा। और तो ये वैसे फुल चार्ज हो गई है या फिर अभी अभी टाइम रहता है, लेकिन ये फुल चार्ज ही है। जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगी बैटरी, तो आपका जो चार्जर है वो बीप करेगा कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। तो उसके बाद आप बैटरी को बेशक अनप्लग कर दें, या फिर या आपने चलती चलती बैटरी को स्टॉप करना है कि चार्ज होने से बंद हो जाए, तो डायरेक्ट स्टॉप के बटन पे क्लिक कर देंगे तो चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद अपनी पोर्ट्स यहाँ से निकाल दें सारी, और आप बैटरी को वैसे ही यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं। तो ये था एक बहुत ही बैलेंस और अच्छा तरीका, सेफ तरीका लाइपो बैटरीज को चार्ज करने का। आप कोई भी लाइपो बैटरी अपनी इससे चार्ज कर सकते हैं, 1S हो, 2S हो, 3S हो, 4S हो, 5S हो या 6S हो, मैक्सिमम लिमिट जो है 6S है। तो यही थी हमारी वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।